This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Assalamu alaikum nazreen, main hu Dr. Shujahat aur aap dekh rahe hain program Aap Aur Karobar. Nazreen, pichle chand din pehle humne apne program mein discuss kiya tha ke Pakistan ka banking sector is not doing the right banking, बल्कि ये हमारी एक conception थी. अब ये किस हद तक सही थी या गलत थी, ये तो हम अपने आज जो हमारे expert हैं उनसे discuss करेंगे. बहरहाल program में हमने ये discuss किया जी कि banking sector को जो काम करना चाहिए था या जो task perform करना चाहिए था वो किसी हद तक नहीं कर पाया. उसके साथ ही हमने banking sector के role को भी discuss किया था. कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग सेक्टर परफॉर्मेंस के हवाले से और गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से. हमको आज ये भी डिस्कस करना है कि किस तरह से गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट कर रही है बैंकिंग सेक्टर परफॉर्मेंस को और सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस किस हद तक रोल प्ले कर सकती है हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस में. इसके साथ साथ हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे कुछ इस तरह की कि कौन से स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट को लेने चाहिए जिस तरह जिससे हमारा जो सेंट्रल बैंक और हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अलाइन भी हो सकें और किस तरह से हमारे कमर्शियल बैंक्स हमारी जो इकोनॉमिक डिवेलपमेंट है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें. क्योंकि अमूमन ये तासुर पाया जाता है कि बैंकिंग सेक्टर की अपनी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ रही है लेकिन बैंकिंग सेक्टर हेल्प आउट नहीं कर पा रहे हमारी इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को ग्रो करने में. ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है इस पर भी हम बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों पे हम बातें करेंगे. आज हमने इनवाइट किया है मशहूर माहिर मईशत दान और जनाब एसएम आरिफ साहब. वेलकम टू द शो. जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि हमने बैंकिंग सेक्टर परफॉर्मेंस के बारे में या तो लोगों को मिसकंसेप्शन है या ये रियलिटी है, ये अब आप ही बताएंगे कि लोग ये कह रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर ऑफ द पाकिस्तान इज़ नॉट डूइंग द राइट बैंकिंग, ये सिर्फ गवर्नमेंट को पैसे लेंड कर रहे हैं इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे. हाँ, मैं पहले तो मैं थोड़ा अपफ्रंट एक तज़िया आपको सामने रखता हूँ कि बड़ा स्ट्रॉन्ग और हार्श स्टेटमेंट अगर हम कहें कि इट्स नॉट डूइंग द राइट बैंकिंग जी, मगर इसको थोड़ा सा इस अंदाज से देखना है कि एक तो कन्वेंशनल परसेप्शन ऑफ बैंकिंग और एक कुछ डोमिनेंट रोल जो बैंकिंग का होना चाहिए. तो अगर थोड़ा सा आम नाजरीन के लिए अगर हम देखें तो उसकी प्राइमरीली दो साइड्स हैं, एक लेंडिंग साइड है और सेविंग साइड है जहाँ पे डिपॉजिटर्स से मार्केट से मनी स्वैप करें. अब इसके मुख्तलिफ चैनल्स और मैकेनिज्म हो सकते हैं जहाँ से आप सेविंग्स मोबिलाइज कर रहे होंगे और उसी जो पूल ऑफ सेविंग्स है उसको फिर आप लेंडिंग की साइड पे होंगे. जो मेरे ख्याल में जो आपके पिछले प्रोग्राम्स में तज़ियाकारों ने जो चीज़ पेश की उनका बेसिक क्रिटिसिज्म जो है वो है लेंडिंग साइड पे. जी हाँ, और दूसरी साइड पे गिविंग गुड रिटर्न्स टू द डिपॉजिटर्स. दो बिल्कुल दो चीज़ें जो आप मैं आपकी राय चाहूँगा कि एक तो बैंकिंग सेक्टर लेंडिंग किस हद तक ये कर रहा है कि जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ हो, सेकंडली किस हद तक वो अपने जो खातेदार हैं उनका तहफ़ कर रहा है. जी हाँ, देखिए पहले तो आ जाते हैं लेंडिंग साइड. जी, लेंडिंग साइड. लेंडिंग साइड पे जो जनरली एतराज़ है और मैं भी अपने पिछले कुछ प्रोग्राम्स में इस चीज़ की निशानदेही कर चुका हूँ, बट टेक्निकली वो ऐसा होता है शायद हर प्रोग्राम में उस चीज़ को हैमरिंग करनी पड़ती है. बेसिकली जो इशू है हमारे साथ कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो रियल सेंस में उस तरह से डेवलप नहीं हो रही, वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, स्मॉल एसएमईज़ वगैरह को फंड्स नॉट अवेलेबल की वजह से. क्योंकि हमारी इकोनॉमी में पिछले कुछ सालों में मेजर सेविंग्स या मेजर रिटर्न्स तो नहीं आए इंडिविजुअल्स के जो अपने सेविंग्स को वो बिजनेसेस में लगा चुके, तो इन अ ट्रू सेंस उनको पैसा और लेंडिंग की ज़रूरत है. अच्छा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का तो जो मेजर हाल हुआ है वो ये रहा है कि इशू तो शायद हम उसको क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं और एक प्ली लेते रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मगर जो बिजनेसेस ऑलरेडी पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे थे उनके लिए भी कोई खातिर ख्याल लेंडिंग के लिए बैंकिंग चैनल से पैसा अवेलेबल था. क्योंकि मेजर पैसा जो था वो गवर्नमेंट ट्रेजरीबल्स और गवर्नमेंट पेपर्स की तरफ गया था. गो कि ये सिचुएशन बड़ी तेज़ी से अब चेंज हो जा रही है और काफ़ी हद तक वो रिटायर भी हो गए, बट देखना ये है कि कोई सकू या दूसरे फॉर्म्स में वो आके और वो पैसा स्वैप हो जाता है या नहीं होता. बैंकों के लिए बड़ा आसान था कि बजाय इसके कि स्मॉल लेंडर्स और मीडियम साइज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगाते, उनको उससे बेहतर रिटर्न जो है गवर्नमेंट पेपर्स में मिलना शुरू हो गया और दैट वाज अ सेफ इन्वेस्टमेंट. और जी हाँ, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है. ड्रॉबैक उसका ये हुआ कि हमारी ग्रोथ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और इवन टू अ ग्रेटर डिग्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में पिछले अरसे में नहीं हुई है, और
नहीं होने का मतलब ये कि एम्प्लॉयमेंट इशू भी जनरेट हो रहे हैं उसके अंदर, मार्केट भी डेवलप नहीं हो रही है, और हमारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ और फैक्टर्स की वजह से भी वो ट्रेडिंग बिजनेसेस की तरफ शिफ्ट हो गया रादर देन अच्छा ट्रेडिंग में भी ये डिसएडवांटेज है कि वहाँ भी अगर पूरी इकोनॉमी स्टेबलाइज हुई हुई हो तो शायद वहाँ भी कुछ फंडिंग जाती हो वर्क फ्लो स्टॉक्स और दूसरी चीज़ों की वजह से, मगर वहाँ पे जिनके पास सरप्लस ब्लैक मनी या दूसरी भी चीज़ें उसमें भी वो इंगेज हो जाती है तो वहाँ से वो पैसा स्वैप, तो एक सेकेंडरी चैनल्स ऑटोमेटिकली अवेलेबल होने लग गए हैं। सेविंग साइट्स पे अगर आप आ जाते हैं तो सेविंग साइट्स पे ये हाल है कि अभी इंटरेस्ट रेट्स तो ड्रॉप हुए हैं ठीक है, मगर उसका इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होना जो मॉनेटरी पॉलिसी के लिहाज से उसका रियल आउटलुक तो होता है टुवर्ड्स लेंडिंग, ताकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो लोअर, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम होगी तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी। इस साइड पे ये हुआ है कि डिपॉजिटर्स जो है वो हर 6 महीने में जो ये लेंडिंग रेट रिड्यूस हुआ उनकी सेविंग रेट्स कम होते रहे। अच्छा, ज़्यादा बहुत बड़े एवेन्यूज भी पिछले अरसे में डेवलप नहीं हुए, अगर बैंकिंग हवाले से ही कहें कि जहाँ पे वो सेविंग्स को कहीं मोबिलाइज करते दूसरी, और जनरली ट्रेंड ये रहता है कि स्मॉल सेवर्स, अगर आप थोड़ी सी 2015 की जो कंसोलिडेटेड एनालिसिस है स्टेट बैंक की अगर आप उसमें देखते हैं तो सबसे बड़ा सेगमेंट तो आपका 10 से 20 हज़ार रुपये वाले का एवरेज बैलेंस वाला है, तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इकोनॉमी हमारी कितनी वीक है इस सेंस में कि जो भी सेविंग्स आ रही है वो सिर्फ थोड़ी बहुत जो सरप्लस सेविंग्स हैं या दूसरी हैं, मतलब टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ये बड़ा स्मॉल। अच्छा, इसमें एक और था कि अभी जो गवर्नमेंट है उसने मॉनेटरी पॉलिसी का अपना ट्रेंड चेंज किया है, पहले बहुत टाइट मॉनेटरी पॉलिसी थी, अब गवर्नमेंट ने थोड़ी मॉनेटरी पॉलिसी लूज़ की है, इंटरेस्ट रेट्स को कम किया है, तो इस इंटरेस्ट रेट के कम करने से हमारी जो इंडस्ट्रियल लैंडिंग है उस पर कोई फ़र्क पड़ा है हमारे जो बैंक्स को, या उसकी लैंडिंग बढ़ी है इंडस्ट्री की ताकि कोई आगे उसमें बिजनेस। देखिए, जिस अरसे में ये जो कंटिन्यूस कुछ क्वार्टर से ये लैंडिंग रेट रिड्यूस हुए थे और लोएस्ट क्लेम किए जाते हैं ओवर कपल ऑफ ईयर्स, मगर अगर आप ट्रू सेंस में देखेंगे तो वो उसका रियल बेनिफिट होना चाहिए था कि मार्केट तो कैपिटल हंग्री है और क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे होना चाहिए था, मगर क्योंकि बैंकों का ज़्यादा पैसा तो गवर्नमेंट पेपर्स में है तो उसने दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ तो एडवांटेज है। हाँ, जो प्रीएम्प्ट करने की ज़रूरत है वो ये कि अब गवर्नमेंट पेपर्स का वो रिटायरमेंट पीरियड तो आ चुका है और कुछ का तो ऑलरेडी कवर हो गया, तो ये वो क्वार्टर्स हैं और लास्ट क्वार्टर है जहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन नज़र आना चाहिए और नज़र आ रहा होगा। अच्छा, एक तो ये कि अगेन फिर गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है फॉर सम लार्ज स्केल प्रोजेक्ट जो सीपैक रिलेटेड और कुछ इंडस्ट्री पावर इंडस्ट्री और दूसरों के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो अगर वहाँ पे फिर दोबारा डाइवर्ट हो गए ये फंड्स और फिर भी जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स या प्राइवेट बिजनेस हाउसेस को अगर फंड्स अवेलेबल नहीं हो तो फिर इट विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन सेगमेंट टू द अदर। अभी भी देखें ना, गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट्स जो वो भी अभी काफ़ी बल्कि बढ़ते ही जा रहे हैं, और आइंदा जो आने वाले जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में उससे भी गवर्नमेंट के अखराजात बहुत बढ़ेंगे, तो फिस्कल डेफिसिट के कम होने के चांसेस कम हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर भी जो सारा जो हमारी सेविंग्स है वो डाइवर्ट होकर फिर वहाँ पर चली जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ। जी हाँ, देखिए उसके दो साइड्स हैं, पिछले जो रेट्स अवेलेबल थे गवर्नमेंट पेपर्स के ऊपर और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में जहाँ पे बैंकों ने ज़्यादा पैसा अपना लगाया हुआ था, वो रिटर्न टेक्निकली तो जो हम इनकरेक्ट बैंकिंग कहते हैं वो एक्चुअली इनकरेक्ट लेंडिंग थी, क्योंकि उसका रिटर्न गवर्नमेंट का रिटर्न हायर था बनस्बत पब्लिक सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर के जहाँ से ये रिटर्न्स आने चाहिए थे, तो ये तो एक बड़ी यानी अगर कोई भी इकोनॉमी को समझते हैं अच्छी तरह से तो उनको अंदाज़ा है कि इसका मतलब तो हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है, बेहतर है प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में और रिटर्न्स भी गारंटीड हैं, मगर इन रियल सेंस अब जाके गवर्नमेंट इसका भी एडवांटेज लेगी कि जो लोअर इंटरेस्ट रेट की वजह से जो रिटर्न्स अब आएंगे अगर गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट के अंदर कंपैरेटिवली। दूसरा चैलेंज सबसे बड़ा बैंकों को अब आएगा और रियली आएगा वो ये है कि जो स्किल्स इरोड हो गई थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि वो गवर्नमेंट पेपर्स पे रिटर्न ट्रेजरी में और वो जो जितने वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की प्रॉपर उसकी, जी हाँ जी। नहीं, वहाँ तो ठीक थी मगर क्रेडिट लेंडिंग के ऊपर स्किल्स उनकी वीक हो गई उनके, जो क्योंकि देखिए मार्केट से जितना क्लोज होते हैं जितना एक्टिव रहते हैं आपके लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स तो बड़े लिमिटेड हैं, और अगर आप पिछले साल की इंडस्ट्रियलाइजेशन देखें तो उसमें भी कोई खातिर खा प्रोजेक्ट्स नहीं आए हैं, तो जो कुछ पुरानी इंडस्ट्रीज होती या तो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज होगा एकदम। अगर ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि क्योंकि बैंक्स हमारे अभी उनकी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी इंडस्ट्री को देने की लोन,
तो अभी उनकी हो सकता है कि एक्सपर्टीज इरोड हो गई, थोड़ी सी आउट इरोड हो गई, लोग रोटेट कर गए हैं दूसरे, और जाहिर है ये तो उसके डायनेमिक्स हैं कि अगर कोई स्किल्स यूज़ नहीं हो रही, जैसे एक ज़माने में हम रोड कंस्ट्रक्शन में काफ़ी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स विन किया करते थे, और कुछ सालों में फिर ये हालत हो गई कि हमें बाहर से रोड कंस्ट्रक्शन के लिए मंगाने पड़े, तो ये वो तमाम स्किल्स हैं जो अगर आप टाइमली उनकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। मगर मैं जिस तरफ निशानदेही कर रहा हूँ वो ये कि बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी भी इफेक्ट होगी अनलेस एंड अनटिल, क्योंकि अगर रियल मार्केट सिनेरियो में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा ये इश्यूज आएंगे, और बज़ाहिर बैंकिंग इंडस्ट्री में ये एक्टिविटी कुछ अरसे से नज़र नहीं आई कि ये सिचुएशन को प्रीएम्प्ट करें और अपने लोगों को रीस्किल और तैयार तो और आप वैसे इस आप बैंक्स को ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि क्योंकि फ्यूचर में उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी रिटर्न कम होंगे, तो उनको अभी से ही दे हैव टू पुल देयर सॉक्स अप, अभी से उनको अपने जो मैनिंग है वो करनी होगी क्रेडिट लेंडिंग में, जो इंडस्ट्रियल लेंडिंग है वहाँ पर। जी हाँ, मैं तो काफ़ी अच्छे से ये चीज़ की तरह। दूसरी चीज़ ये कि देखें थोड़ा सा रेगुलेटर को भी प्ले करना होगा, क्योंकि बैंक्स ईच इंडिविजुअल बैंक विल फॉलो अ सर्टन गाइडलाइन जो उस बैंक को इंटरेस्ट कर रही है, मगर एक इनको फुटप्रिंट क्रिएट करना होगा कि हाउ मच ऑफ द लेंडिंग शुड गो टूवर्ड्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड हाउ मच। दूसरा एक और एक जो इन्फ्लक्स नज़र आएगा, और वो उस नॉइज़ में हम अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अपनी एक्टिविटीज़ ना हो, क्योंकि सीपैक का इतना शोर तो है, उसमें मार्केट में जनरल एक्टिविटी भी नज़र आएगी, कुछ फॉरेनर्स भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हुए नज़र आएँ, वो उसकी नॉइज़ लेवल काफ़ी होगा। मगर ये देखना है कि हमारे अपने जो बिज़नेस हाउसेज हैं वो किस तरह से अपने आप को पोजीशन कर रहे होंगे, और जाहिर है अगर उनको आने वाली अपॉर्चुनिटी के साथ, अगर हम ये देखेंगे अगेन चिकन वाली बात के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रेडी हो जाए और उसके बाद हम एक्टिविटी करेंगे, तो उसका मतलब ये है कि उसकी उस जो डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर जो इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं उसमें से हम अपना शेयर लूज कर जाएंगे। तो ये मैं काफ़ी अरसे से इस चीज़ को पॉइंट आउट करूँ कि देयर हैज़ टू बी अ इंडस्ट्री एंड प्लानिंग कमीशन का बड़ा कोहेसिव सा डिलिब्रेशन होनी चाहिए और ओपन डिस्कशन होनी चाहिए, सो दैट द रेडीनेस ऑफ बोथ बैंक्स इंडस्ट्रीज एंड द गवर्नमेंट सेक्टर जो प्लानिंग में इन्वॉल्व हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें। वो समहाउ द अदर लिप सर्विस ज़्यादा है, एक्शन आर नॉट वेरी विजिबल। अच्छा, तो इसी ये तो हमने लैंडिंग साइड की बात की, अगर हम आते हैं फॉर एग्जाम्पल सेविंग को या डिपॉजिट्स की बात करें, तो कहा यह जाता है कि जब तक आपका बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल ग्रॉस रूट लेवल तक देहातों तक जाकर अपनी ब्रांचेस नहीं बनाता और वहीं से सेविंग्स को स्किम करके लेकर नहीं आता, तो उसकी वो प्रॉपरली आपका फाइनेंस या आपकी जो सेविंग्स है वो मोबिलाइज नहीं होंगी, वो डेड रिजर्व्स होंगे। अभी भी आप देखें पाकिस्तान में हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ सेविंग्स लोग अपने घरों में रखते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बैंकिंग सेक्टर इतना एक्सपेंड कर रहा है कि वो जो हमारे रूरल एरियाज या हमारे जो विलेजेस है वहाँ पर जाके वो अपनी ब्रांचेज उन्होंने बना दी, वहाँ से वो सेविंग मोबिलाइज करके लेके आए मेन स्ट्रीम में? आई थिंक इस मामले में हमें क्रेडिट देना चाहिए कि सेंट्रल बैंक ने जो इनिशिएटिव लिया था, और वो भी ग्लोबल इनिशिएटिव्स का ही रिफ्लेक्शन था, बट नंदलेस दे हैव डन देयर पार्ट ऑफ द जॉब, जिसको हम कहते हैं ब्रांचलेस बैंकिंग। आपको पहले रूरल साइड का भी थोड़ा सा फिनोमेना समझना चाहिए और अर्बन साइड में पाकिस्तान दूसरे तीसरा ऐसा कंट्री है जहाँ पे बड़ी फास्ट अर्बनाइजेशन हो रही है, ऑलमोस्ट 45% ऑफ द पॉपुलेशन मिक्स जो है इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स अर्बन सेंटर्स। दूसरी साइड पे जो चीज़ आप देखेंगे वो ये कि रूरल साइड के ऊपर ब्रांचलेस बैंकिंग जो है वो स्मॉल सेविंग्स को एक बैंकिंग साइकिल में, जिसको फाइनेंशियल इंक्लूजन या जो भी आप नाम देना चाहें, उस तरह से इन्वॉल्व होना शुरू है। अच्छा, वहाँ पे भी जो रूरल सेगमेंट है जहाँ पे मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, वहाँ पे दो पैटर्न्स है, एक तो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं और एक लार्ज होल्डिंग्स वाले हैं। लार्ज होल्डिंग वालों की तो विंडफॉल इनकम तो बहुत ह्यूज है, क्योंकि उनकी कंट्रोल भी है, इंडस्ट्रीज़ में भी उनके प्रेजेंस है, तो वहाँ तो पैटर्न ज़रा सा डिफरेंट है। मगर जो स्मॉल स्केल है उनकी सेविंग्स बिल्कुल ना होने के बराबर है। मगर अगर उधर पैटर्न आप देखें तो एग्रीकल्चर पैटर्न के जो पीक्स आती हैं कि जब वो क्रॉप मेच्योर होती है और फिर उसकी सेल होती है, ये वो पैटर्न है जहाँ पर प्राइसिंग अच्छी जब मिल रही थी तो हमने वो पैसा कभी भी बैंकिंग इंडस्ट्री में नहीं आया। और ये फर्स्ट इनिशिएटिव तो ब्रांचलेस है, बट देर हैज़ टू बी सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स एंड टूल्स। ठीक है, लार्जेस्ट सेल इस वक्त एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक का है,
मगर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक जो है उसने भी कोई लेंडिंग साइड पे तो है मगर वो डिपॉजिट्स को कैप्चर करने में उस तरह से सक्सेसफुल नहीं रहे। इसी तरह माइक्रो फाइनेंस बैंक्स भी देखें तो बिल्कुल लेंडिंग हो रही है वो डिपॉजिट्स, बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो जो हमारे बैंकिंग सेक्टर के जितने भी डिपॉजिट्स हैं उसका ऑलमोस्ट 50-60% उस रिजर्व का हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप रूरल सेक्टर को उसमें लेकर के आए तो। जी हाँ, देखिए हम थोड़ा सा पिछले 10 साल हमने लूज कर दिए हैं बैंकिंग को अपने आप को, जैसे आपके पास डिफरेंट साइकिल्स हैं जहाँ पे आपने बैंकिंग को या तो अपग्रेड किया टेक्नोलॉजी के लिहाज से कुछ प्रोडक्ट्स के लिए। ये जो गैप की मैं बात करूँ, बहुत सारे नए टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें आ गई। एक तो डेवलप मार्केट है जहाँ पे कोई सर्टन प्रोडक्ट्स हैं विच आर गुड फॉर देयर इकोनॉमी बिकॉज वहाँ पे अर्बनाइजेशन लिटरेसी और बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। तो एक तो डिपॉजिट स्वैप करने के लिए देर हैज़ टू बी सर्टन टूल्स और स्पेशली एग्रीकल्चर बेस्ड डिपॉजिट जो है उनको कैप्चर करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है आपको क्योंकि कन्वेंशनल बैंकर्स जो हैं दे हैव बीन ट्रेंड टू लैंड एंड टू डील विद अर्बन सेंटर्स, तो वो मिस कर जाते हैं पल्सेस जो जनरेट हो रही होती हैं कि भाई जब उसके पास सरप्लस कैश है वो घर पे क्यों रख रहा है, क्योंकि अगर आप उसको एजुकेट करें खुद उसे इंसेंटिवाइज, और ज़ाहिर है आपकी पूरी एक अर्बन मार्केटिंग वो रूरल मार्केटिंग कैंपेन होनी चाहिए जहाँ पर आप ये चीज़ कर सक रहे होंगे। दूसरी साइड ये है कि इसमें भी ज़रा सा बैंकों को थोड़ा सा मोहताद, और मैं सजेस्ट करूँगा सेंट्रल बैंक को भी कि कन्वेंशनल ब्रिक एंड मोटर ब्रांच से जो इन्वेस्टमेंट है उसको बड़ा केयरफुली देखें, क्योंकि वो एट टाइम्स दैट लीड्स टू हायर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ, क्योंकि सारे ये प्राइवेट सेक्टर में मेजॉरिटी तो हैं, और जब ओवर इन्वेस्ट उसमें होगा और वहाँ से एक्टिविटी उतनी जनरेट नहीं हो रही होगी, तो अब आपके पास बड़े इकोनॉमिकल लो कॉस्ट टूल्स आ गए और फिनटेक्स की कॉम्बिनेशन में भी ये हैं कि इन्हें थर्ड पार्टी एसोसिएशन करके आप वहाँ पे सर्विसेज दे सकते हैं, तो ये काफ़ी काम होना बाकी इसमें है। एक और है कि क्योंकि ये नॉर्मली परसेप्शन है कि हमारे जो रूरल एरियाज़ में लोग हैं वो इस्लामिक वैल्यूज पे बड़ा बिलीव करते हैं, तो इस्लामिक बैंकारी इसमें किसी हद तक हेल्प कर सकती है हमारी जो डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करने में, उसको इंक्रीज करने में, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। देखिए अगर आप बड़े ओपनली और ट्रूली उसको एनालाइज करें तो अर्बन रूरल सेंटर्स में इट इज़ नॉट वेरी रिलीजियस सेंट्रिक रीज़न फॉर नॉट डूइंग द बैंकिंग पार्ट, कॉम्प्लेक्सिटी लॉजिक और थोड़ा सा हमारा अंदाज हैंडलिंग का और एक लॉन्ग टर्म परसेप्शन भी है, ठीक है, उसमें इस्लामिक तो डेफिनेटली हेल्प कर सकता है, मगर बात यह है कि अगर हम एक छोटा सा बैंक ओपनिंग फॉर्म भी उनको देते हैं तो एक एवरेज मैट्रिकुलेटेड आदमी भी जो है वो ज़रा डिफ़िकल्टी फील करता है, तो हमें तो पहले तो वो उनको उस ऑर्बिट ऑफ कन्वीनियंस में लेके आना होगा, कंफर्ट उनकी डेवलप करनी होगी। ये तो एक एक्सरसाइज है जो कि एजुकेशन या रीमॉडलिंग ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, मगर दूसरी साइड पे मैं समझता हूँ कि वो जो इंटरेस्ट बेयरिंग मॉडल है वो भी, जैसे अब एग्रीकल्चर लैंडिंग होती है तो वो चाहे या नहीं चाहे वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो ये तो खैर हमें एज ए सोशल इविल के तौर पे इस इंटरेस्ट को हम काफ़ी अरसे से डिस्कस कर रहे हैं, बट वी आर नॉट डूइंग रियल वी हैवंट टेकन एनी स्टेप इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ इट। जी हाँ, बड़े बड़े डिसीजंस हुए सुप्रीम कोर्ट का। एक और है कि हमने जब कुछ लोगों से जो इसी हवाले से इंटरेक्ट किया जो कि रूरल एरियाज़ में कि वो बैंक्स में क्यों नहीं जाते या वो सेविंग्स घर पे क्यों रखते हैं, तो एक बहुत बड़ा जो तबका था उन्होंने ये कहा कि जी हम लोग अनपढ़ लोग हैं, जब हम बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे ये पढ़े लिखे और टाई लगा के या कोई लड़कियाँ बैठी होती हैं वो हमसे इस तरह से बात करते हैं कि जैसे ये पैसे हमारे नहीं, हम कहीं से चोरी करके लेके आए हैं, ये वो हमें इज्जत नहीं देते, तो ये भी पता नहीं ये बैंक्स इस फैक्टर को कंसिडर करते हैं या नहीं करते, लेकिन ये भी हमें हमारी जो रिसर्च से ये पता चला कि किसी हद तक जो हमारे बैंक्स के एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड है वो टाई वाई लगा के और वहाँ पे जो लड़कियाँ लड़के बैठे होते हैं वो भी बहुत हद तक लोगों को भगा देता है, वो लोग अंदर आते ही नहीं है, वो अपने आप को वो कहते हैं कि यार ये पता नहीं यहाँ पे ये लोग क्या पूछेंगे और हमें तो पता नहीं है, तो आप क्या समझते हैं इस सिलसिले में बैंक्स क्या कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए? बड़ा इसमें तो दो राय नहीं है और बड़ा यानी सही व्यू है उनका, फ़र्क सिर्फ ये है कि जैसे हमारी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है टूवर्ड्स पब्लिक, बिल्कुल वही अंदाज थोड़ा सा बैंकर्स का भी होता है रूरल साइड पे, दे एक्सपेक्ट दैट दे आर फेमिलियर विद द जागन्स दैट बैंक इज यूजिंग इंटरनली, कि भाई फलाना डॉक्यूमेंट, आपको तो पूरा अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। मैं तो सिर्फ सिंपल पहले कहता हूँ कि उसके लिए लैंग्वेज की कंफर्ट और वो सब होनी चाहिए। देखिए लार्ज स्केल
इंडस्ट्रियलिस्ट और लार्ज स्केल जो एग्रीकल्चर बिजनेस के अंदर हैं उनकी हैंडलिंग तो हमेशा हैंडल, उनके लिए तो आप सारी चीज़ें ट्यून चेंज कर देते हैं, मगर जो रियल फार्मर्स हैं, जो जिन लोगों को आपने इस पूरे इंक्लूजन प्रोसेस में लेके आना है, उनकी रियलिटी को सामने रखें और उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो उसमें एक पूरा 360 डिग्री शिफ्ट आने की ज़रूरत है, हुआ है, मगर ये लिप सर्विस कहता है कि इन रियल सेंस में नहीं है। और चाहे वो इंडिया देखें या पाकिस्तान, इंडिया ने थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर की है, उन्होंने जो या एक ज़माने में आई डू गिव क्रेडिट टू निश्तर साहब के उन जब वो थोड़ी सी एग्रीकल्चर लैंडिंग की तरफ काम किया था, तो वो मूविंग आउट टू द कॉर्नर्स ऑफ द फील्ड्स और वहाँ पे लोग मोटरसाइकिलों पे और उन पे जाके उनकी असिस्ट करते थे उसको, मगर अभी तक भी वो हमारा अंदाज पूरी तरह उनको एज ए कस्टमर। बांग्लादेश की बैंकिंग से कुछ हम पॉलिसी लेसन ड्रॉ कर सकते हैं या वो भी बांग्लादेश के वो तो वो जो ग्रामीण और वो ग्रामीण या जो ओवरऑल क्योंकि बांग्लादेश में वो ये कह रहे हैं कि इवन नॉट ओनली लैंडिंग बल्कि डिपॉजिट साइड भी काफी वो पूरा एक साइकिल है कि वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर एक्चुअली वो रीप्लॉग डेफिनेटली वहाँ पे भी है, मगर वहाँ पे मैं समझता हूँ अगर हम उसकी ट्री असेसमेंट कहें थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों की थोड़ी सी जो रूलर साइड है उसके मैट्रिक्सेस बड़े डिफरेंट हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस भी है और उसको भी थोड़ा सा वडेरा कहें या चौधरी कहें या उनका भी इन्फ्लुएंस है, तो ये आपको देखना होगा कि ट्रू सेंस में उसकी इंडिपेंडेंस लोकलाइज किस तरह से वो जी हाँ है। मगर एट द सेम टाइम उसको पहले सेविंग्स किस पैटर्न में लेकर जाया जाए और फिर उसको लैंडिंग साइट के ऊपर उसको किया जाए, तो इसमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, मगर ये कि हमें उनको एज रियल कस्टमर समझ के उधर उतरना होगा। मैं एक तरफ ज़रा सा बताऊं कि अक्सर बैंकर्स इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं कि उनकी एवरेज सेविंग्स का पैटर्न, रूलर साइड पे जब आप जाएंगे तो एवरेज सेविंग्स का पैटर्न, क्योंकि आपकी मैं एज ए इस्तलाह के तौर पे सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि हम अगर आप अभी भी बैंकिंग देखें तो इतनी ऑटोमेशन होने के बावजूद भी ईयर एंड बैलेंसेज, क्वार्टरली बैलेंसेज या सिक्स मंथली बैलेंसेज को कंसिडर करते होते उनके पीक्स और लोज और जो पैटर्न है। अच्छा, ये गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। नाज़रीन, हमें जल्दी से एक लेनी है ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और यहीं से स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बैंकिंग सेक्टर परफॉर्मेंस के हवाले से। इसमें एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है हमारा सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस। बहुत सारे तजज़ियाकार और माहरीन ये कहते हैं कि क्योंकि हमारा सेंट्रल बैंक किसी हद तक इंडिपेंडेंट नहीं है, जिसकी वजह से उसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं स्पेशली मॉनेटरी पॉलिसी उसकी, वो बैंकिंग सेक्टर को फोकस नहीं होती बल्कि वो गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या फिस्कल डेफिसिट को, फिस्कल गैप को पूरा करने के लिए उन ऑब्जेक्टिव्स को बेस करके बनाई जाती है, जिसकी वजह से कई दफ़ा बैंकिंग सेक्टर तो प्रॉफिटेबिलिटी ले जाता है लेकिन इकॉनमी के दूसरे सेक्टर जो है वो सफ़र करते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, देखिए पहले तो थोड़ा सा ये अंदाज़ा हो जाए कि ये बाय कॉन्स्टिट्यूशन और बाय रेगुलेशन स्टेट बैंक इज सपोज टू बी इंडिपेंडेंट और ज़ाहिर है वो ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है और उसकी इंडिपेंडेंस गारंटी की गई है, उसकी बेसिक रैशनल भी है और रीजनिंग भी है, और वो इसलिए ताकि विद इन द गवर्नमेंट सेटअप फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर वॉचडॉग के तौर पर भी किसी को रोल प्ले करना होता है और पॉलिसीज जो हैं इंडिपेंडेंट हों ताकि इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट जो कंट्री की हैं वो डिक्टेट हो सके। ज़ाहिर है ईयर आफ्टर ईयर जो है पॉलिटिकल चेंजेस आती हैं, गवर्नमेंट चेंज होती हैं, तो हर एक का पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, तो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पॉलिसीज़ के थ्रू किया जाता है, मगर अगर पॉलिसीज़ को और एक्शन आइटम्स को अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं रहने देंगे और उसके थ्रू ड्राइव नहीं करेंगे तो फिर जिस तरह से हम कहते हैं ना कि गवर्नेंस के उसूल में कि डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट सेपरेट हो, तो बिल्कुल वही उसूल इस पे भी अप्लाई होता है। उसके अलावा अगर आप ज़रा डीपली रिव्यू करें तो हम इस चीज़ को यानी अगर कोई चैलेंज करें तो उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि स्टेट बैंक की ईयर ऑन ईयर पॉलिसीज़ को अगर आप देखें तो दोनों यूनिट्स का कितना इंडिपेंडेंट हाल रहा है। एविडेंस के तौर पे अगर आप रिसेंटली जो गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर जो पेमेंट्स की जिससे हम बात कर रहे थे और जो बोरोइंग हुई है जो इस करंट गवर्नमेंट ने बोरोइंग की, हिस्टोरिकल बोरोइंग हुई है फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पे, यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल रिपोर्ट
warning government from Central Bank of Pakistan, right, which is saying ke bhai where it will end up and mm-hmm. how risky it is. Mm-hmm. Now, luckily or fortunately, इसी क्राइटेरिया और इसी बेसिस के ऊपर किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या थर्ड बॉडी ने इसके रिस्क साइड को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, जहाँ से कंट्री रिस्क भी जनरेट होता है. बिल्कुल ठीक है, मगर देखने की ये बात है कि ये यहीं पे इंडिपेंडेंस चाहिए होती है कि एज अ सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट व्यू मतलब नहीं दे रहे. सेंट्रल बैंक जो है वो अपने गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल बैंक के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वो अपनी किस तरह से इकोनॉमी को ड्राइव करता है, बिकॉज द सेंट्रल बैंक इज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कंट्री. जी हाँ. अब आप ये बताइए कि जब एक्सेसिव बोरिंग सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को करेगा तो इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कौन कौन से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो डायरेक्टली इससे इम्पैक्ट होंगे? देखिए, बड़ी ख़तरनाक बात तो पहले सिंपल चीज़ ये है कि जब आप एक्सेसिव बोरिंग कर रहे हैं और गवर्नमेंट को आप लेंडिंग कर रहे हैं, तो आपकी जो मार्केट में अवेलेबल फॉर क्रेडिट जो फंड्स थे वो तो इंडस्ट्री को तो मिल नहीं रहे, वो तो डाइवर्ट हो गए हैं दूसरे प्रोजेक्ट्स पे. ठीक है, गवर्नमेंट की भी नीड्स है सर्टन प्रोजेक्ट्स की, तो जिसकी तरफ मैंने दूसरी तरफ इशारा किया था कि उसके रिटर्न जो हैं प्राइवेट सेक्टर के रिटर्न से बहुत ज़्यादा हैं, और वो क्योंकि गवर्नमेंट गारंटीड है और बॉन्ड्स की शक्ल में है तो उसकी प्राइस भी इन्फ्लेशन, तो अल्टीमेटली हो रहा है कि जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो अननेचुरल है, क्योंकि वही प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है और वही पब्लिक सेक्टर में हो रहा है, तो उसमें पिलफरेज और दूसरी चीज़ों की वजह से फिर जो आप जिस किस वजह से आप वो गारंटी कर सक रहे हैं, अगर आप उसकी थोड़ी सी डीप एनालिसिस करें कि बॉन्ड प्राइसिंग जो आपने फिक्स की वो कैसे, तो बैंकों को उसी सूरत में अट्रैक्टिव नज़र आया कि उनको ये पता था कि नॉर्मल कमर्शियल वेंचर्स में उसके वो रिटर्न्स नहीं है जो कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर. अच्छा, इसमें लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट क्योंकि टैक्स मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं कर सकती, रेवेन्यू प्रॉपरली कलेक्ट नहीं कर सकती और टैक्स लीकेज को ख़त्म नहीं कर सकती, तो ये गवर्नमेंट के पास एक ईजी सोल्यूशन होता है कि सेंट्रल बैंक के थ्रू बोरोइंग करके अपने फिस्कल जो डेफिसिट है उसको या जो आप बजट का खसारा है उसको वो पूरा कर सके. क्या ऐसे ही है? देखिए, बात तो सही है, मगर अगर आप थोड़ा सा ये समझें कि हमने समझा पॉलिटिकल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि इनकॉम्पिटेंट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, उसूली तौर पे आपके लिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो कॉम्पिटेंट हु कैन मैनेज द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, और अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट का ये नहीं है कि पॉलिटिकली जोड़ तोड़ कर सक रहे हो, बल्कि कंट्री को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें. अगर आप लिस्ट ऑफ, सॉरी टू से, बट अगर आप पूरी लिस्ट खंगाल लें और उसमें से आप हिस्टोरिकल डिसीजंस ले लें, मतलब करंट गवर्नमेंट या पिछली गवर्नमेंट या अकॉर्डिंगली, तो आपको बड़े सीरियस गैप्स नज़र आएंगे. तो क्या मतलब, अगर उनके पास पब्लिक बैकिंग थी इन टर्म्स ऑफ मैंडेट तो फिर वो एक्शंस में क्यों नहीं ट्रांसलेट हो रहे थे? माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे दोनों सूरतों में अगर आप देखेंगे तो बड़ा सीरियस फुकदान है इसके अंदर. टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू लीकेज, इन सब के ऊपर इशूज तो नज़र आ रहे हैं कि भाई हमारे पास जो टैक्स पेयर्स हैं वो एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट ने तकरीबन 2.6 मिलियन टैक्स पेयर्स ऐसे आइडेंटिफाई, ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए जो कि टैक्स नहीं अदा कर रहे, जिनके पास घर भी है, गाड़ी भी है, जिनकी इनकम भी अच्छी है, वो एक दो दफ़ा बाहर के टूर भी लगा चुके हैं. देखिए, सिंप्लीफाइड टर्म्स में तो ये देखें दोनों चीज़ें हैं ना, कि एक तरफ तो पब्लिक का फिलेंथ्रोपिक एटीट्यूड जो है इज़ अ रिकॉर्डेड एविडेंस के और मुल्कों से बेइंतहा ज़्यादा है पाकिस्तान में, जहाँ पे पब्लिक कंट्रीब्यूशन करनी है. बिल्कुल. दूसरी तरफ टैक्स नहीं है, क्योंकि टैक्स का मतलब ये है कि अल्टीमेटली तो पब्लिक बेनिफिट की तरफ है ना, वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है. मतलब मैं गवर्नमेंट पे आप समझ लीजिए कि ये इसका वो खर्च होगा या नहीं होगा. अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम सेक्टर है हमारा SMEs, स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेस हैं, इसमें जो SME के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अक्सर शिकायत करते हुए पाए जाते हैं कि जी हमें प्रॉपरली फ़ंड नहीं दिए जाते, स्पेशली जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो कहते हैं कि स्मॉल के लिए तो किसी हद तक माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटी मौजूद है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है ज़्यादा लोगों को, लेकिन जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जिस जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में या इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में जो हमारे एक्सपोर्ट्स में बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, वो बैंकिंग सेक्टर उनको प्रॉपरली फाइनेंस नहीं दे रहा, तो इसमें किस हद तक सदाकत है? इसमें बहुत हद तक, देखें आप तो बैलेंस शीट्स देख लें और दूसरे, मतलब एक हमने स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन भी रहेगा SME बैंक, मगर उसकी भी अगर आप लेंडिंग का पैटर्न देख लें तो बड़ा, हालांकि ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है ग्लोबली कि SME इज़ द सिंगल लार्जेस्ट सेक्टर जहाँ पे मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही होती है. उसके मल्टीपल रीजंस हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप होती है, इकोनॉमिक बैलेंस भी आता है, सडन शॉक से भी आपको रिलीव करो तो, और एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट, तो हमारी तो बेसिक नीड है वो. अगर
आप ज़रा क्रिटिकली एनालाइज कर लें कि क्यों नहीं बैंक दे रहे, तो कमर्शियल और लैंडिंग बैंक्स जो बैंक्स जो लैंडिंग में इन्वॉल्व हैं वहाँ पे जब एक बड़े लार्ज स्केल के अगेंस्ट या गवर्नमेंट ट्रेजरी के अगेंस्ट उसको स्मॉल स्केल में आता है तो मल्टीपल अकाउंट्स उसको रिव्यू करने पड़ते हैं, मल्टीपल अकाउंट से सॉलिसिट करना पड़ता है, जिस तरह से कंज्यूमर बैंकिंग या उस टाइप है। मगर कॉम्प्लेक्सिटी कंज्यूमर बैंकिंग में आप ऑटो लोन्स या हाउसिंग में जाएं तो वन साइज फिट ऑल है, मतलब एक प्रोडक्ट और रेंज है मगर मैकेनिज्म सबके। मगर जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के आप लेंडिंग कर रहे होते हैं तो उसकी हर बिजनेस नेचर की नॉलेज और असेसमेंट, मतलब हो सकता है आप किसी ऐसे जो ग्लू मैन्युफैक्चरिंग है या फॉर एग्जांपल कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, उसको अगर आप देंगे तो उसके बिजनेस की ट्रेड्स की रिस्क और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को आपको असेस करना होगा, वहाँ के डायनेमिक्स को देखना होगा। तो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिस वजह से मैं आपको लेंडिंग में बात कर रहा था कि स्किल्स इरोड हुई, बिल्कुल इसी तरह SMEs की स्किल ऑलमोस्ट ना पैद होगी। अच्छा, अ क्विक अराउंड टू डू दैट, मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ कि इसमें थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, फिनटेक या एक बैंक की नॉन बैंकिंग रेगुलेटेड एंटिटीज़ हो सकती हैं जो SMEs की डिफरेंट सेगमेंट्स में स्पेशलाइजेशन हो, एंड यू बाय डूइंग दैट यू कैन जनरेट लॉट ऑफ कंपनीज डूइंग स्पेशलाइजेशन इन क्रेडिट इवैल्यूएशन असेसमेंट एंड सो मेनी अदर थिंग्स एंड देन बी अ फैसिलिटेटिंग आर्म। बट बेसिक नुक्ता जो है वो ये कि जो मिसिंग लिंक है इसके अंदर वो ये कि बैंक्स की असेसमेंट स्किल्स वीक हो गई हैं, और जाहिर रिस्क क्या रहता है कि अगर हम लेंडिंग करेंगे तो फिर उसको रिकवरी और उसकी बिजनेस। वो मशहूर जो हमारे अदीब और बैंकर मुश्ताक यूसुफी वो ये कहते हैं कि बैंक जब इंश्योर कर लेता है कि इस कंपनी को या एक इस फर्द को पैसे की ज़रूरत नहीं है तो उसको वो लेंडिंग कर देते हैं तो खैर से बाहर निकल आते जी। तो ये तो हो गया SME। अब लेकिन मसला ये है कि जब अगर ये सारे के साथ सिनेरियो रहेगा तो क्योंकि SMEs को हमारे विजन 2020 में भी इसको इंजन ऑफ ग्रोथ डिक्लेयर किया गया, जो प्लानिंग कमीशन है उसने भी कहा कि हम SMEs को डेवलप करना चाहते हैं, स्मेडा को मोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब स्टेप्स के साथ अगर आप बैंकिंग सेक्टर को के रिफॉर्म या बैंकिंग सेक्टर की डायरेक्शन देखें तो वो कंट्रास्टिंग नज़र आती है। SMEs को उस तरह से बैंकिंग सेक्टर फोकस नहीं कर रहा, तो आप क्या गवर्नमेंट को पॉलिसी लेसन देंगे कि जी क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट हो अगर वाकई SMEs को इंजन ऑफ ग्रोथ बनाना चाहते हैं तो? देखिए, पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है विजन और ड्रीम में फ़र्क करना सीख लें हम लोग। अच्छा, विजन का मतलब ये है कि इट शुड बी फॉलोड बाय द डिफरेंट स्टेजेस के भाई एंड अचीव आप गोल, मतलब जो सर्टेन स्ट्रेटजीज होंगी, पॉलिसी स्मार्ट गोल जिसको हम कहते हैं, मेजरेबल डूएबल एक्शनेबल और जी हाँ, तो हम तो उसमें ट्रांसलेट कर ही नहीं रहे। मतलब ये कि आपका वो विजन अचीव कैसे होगा जब तक कि आपके उसके डाउन द लाइन पूरे कंपोनेंट्स आप फुलफिल नहीं करें। इसी तरह बैंक्स की पॉलिसी में आप देख लीजिए कि क्या पॉलिसी गाइडलाइंस हुई और उसकी पीरियोडिक मॉनिटरिंग क्या हो रही है कि SMEs को आप कितनी लेंडिंग करेंगे, क्या करेंगे। मैं तो सिर्फ एग्रीकल्चर में भी देखता हूँ कि एग्रीकल्चर में लिस्ट ऑफ आइटम्स तो बहुत सारे दे दिए हैं कि ये एग्रीकल्चर लेंडिंग में, अगर फ्लोरा कल्चरिंग या आप यहाँ पे फिशरीज के अंदर या और दूसरी चीज़ों में अगर आप दे दें कि क्या क्या कंपोनेंट डिवाइड किए हैं आपने, तो वहाँ पे नहीं। अच्छा, कोई इसमें ऐसी भी नहीं कोई कर ऐसी पॉलिसी गाइडलाइन है जिसमें बैंक्स को पाबंद किया जाए कि एक सर्टेन सेक्टर में आप इतनी लेंडिंग करेंगे या इंडस्ट्री को आप इतनी लेंडिंग करेंगे, कंज्यूमर फाइनेंसिंग में आप इतना करेंगे या गवर्नमेंट लेंडिंग, कोई इस तरह की कोई हार्ड एंड कोर गाइडलाइन नहीं है बैंक की या मौजूद है कोई? नहीं, स्टेट बैंक तो एग्रीकल्चर और नॉर्मल लेंडिंग के अंदर तो करता है, SME को स्पेसिफिकली बाय परसेंटेज नहीं दे रहा है और मेजर नहीं कर रहा होता है कि भाई ये, और उसमें भी आप ठीक है मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, क्योंकि रेगुलेटर का थोड़ा सा एक चैलेंज ये रहता है कि वो एक आइवरी टावर में बैठ के उसको पॉलिसीज बनानी होती है, मगर अनलेस एंटिल देर इज़ अ कॉन्स्टेंट फीडबैक फ्रॉम द इंडस्ट्री के भाई डेली डायनेमिक्स क्या चेंज हो रहे हैं, कहाँ पे उतार चढ़ाव हो रहा है, इंटरनेशनली क्या चीज़ हो रही है, तो उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए या रिसर्च इनपुट होना चाहिए या कोई सोर्सेज ऑफ बीकन होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ SME के लिए नहीं किया गया, और ज़ाहिर है नहीं करने का ही नतीजा है कि हम ये देख रहे हैं कि अच्छा बल्कि रिसर्च की आपने बात की और आपने ये कहा कि जी जो हमारे बैंक्स और सेंट्रल बैंक जब तक रिसर्च या तहकीक नहीं करेगा और चीज़ें उसके पास फीडबैक नहीं आएगा तो आगे मूव नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप देखें रिसर्च आउटपुट के हवाले से तो हमारे सेंट्रल बैंक में बावजूद इसके कि उनका बहुत बड़ा रिसर्च डिपार्टमेंट भी है तो कोई इस तरह की पाकिस्तान बेस्ड रिसर्च पब्लिकेशन नज़र नहीं आती जो कि रियलिस्टिक इश्यूज को उजागर करें और किसी इंटरनेशनल बहुत ही जर्नल में वो पब्लिश हुई हो, तो
क्या इस सिलसिले में क्या कर सकता है बैंक हमारा, स्पेशली सेंट्रल बैंक? देखिए, कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है। आपको ज़्यादातर एम्पेरिकल स्टडीज़ तो नज़र आएंगी सेंट्रल बैंक से और वो चीज़ें, मगर टू हैव डायरेक्ट कनेक्शन एंड रियलिस्टिक असेसमेंट के लिए इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन। मैं फॉर एग्जांपल मैं सजेशंस में देता हूँ कि सेंट्रल बैंक को मैंडेट करना चाहिए फॉर कमर्शियल बैंक्स दैट दे मस्ट पीरियोडिकली, मतलब 6 मंथली रिसर्च रिपोर्ट्स निकालें बाय जोन्स, बाय डिस्ट्रिक्ट्स, या इस तरह से, क्योंकि जब वो उस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, अब ये वो कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं एकेडमिया को या इंस्टीट्यूशंस को, और इसको तो एक पूरी चेन ऑफ एक्टिविटी, इट्स नॉट दैट रॉकेट साइंस के इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, और उसके रियलिस्टिक होने के गाइडलाइन, शायद आपकी पहले वाली जो रिसर्च हो वो थोड़ी सी डिफेक्टिव हो बट सब्सिक्वेंटली वो इम्प्रूव कर रही होगी, मगर किसी को ये फर्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत होगी। दूसरी चीज़ ये कि आपके खुद आज के टेक्नोलॉजी के दौर में इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टू स्टार्ट कलेक्टिंग रिस्पेक्टिव डेटा, ठीक है, कोई स्पेशलाइज वन ऑफ इंडस्ट्री के लिए तो ज़ाहिर है वो चीज़ें आएंगी। तो कहने का मकसद ये कि दूसरों के पास तो सेकेंडरी मीडियम और सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम पाकिस्तान, मगर पाकिस्तान के खुद अपने सेंटर्स के पास और पॉलिसी डिपार्टमेंट्स के पास नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपके सर्वे ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, अगर आप उनके कुछ सर्वे के रिजल्ट्स निकाल लें तो आपको रिसर्च की अहमियत नजर आएगी। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ और फिर कि क्या बैंकिंग सेक्टर आपकी इकोनॉमी को ग्रो करने में मुआवन साबित हो सकता है पाकिस्तान में? जी हाँ, हो भी रहा है। मैं ऐसा नहीं है कि इट विल बी अनफेयर टू से, मगर मैं समझता हूँ कि काफ़ी करेक्शन की ज़रूरत है। अच्छा, और अगर ये साबित हो सकता, क्या वो पॉलिसी मैस हो सकते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर हमारा लीड करे या ड्राइव करे हमारी इकोनॉमी को या हमारी इकोनॉमी को पुश दे, क्या वो पॉलिसी मैस हो सकते हैं, क्या आप गाइडलाइन होनी चाहिए? देखें, पॉलिसी और एग्जीक्यूशन जो बैंकों से होनी होगी, उनको बेसिक गाइडलाइंस देने की ज़रूरत है, मगर गाइडलाइन ऐसी नहीं ख्वाहिश हो सकती है कि भाई एसएमई को इतनी लैंडिंग हो जाए। उनको थोड़ा सा ये करना आना होगा कि फर्स्ट सेकेंड या थर्ड स्टेप के भाई ये रिसर्च कंडक्ट कराएं, ठीक है, मोस्ट डिमांडिंग, अब उसके क्राइटेरिया सेट करने की ज़रूरत है कि भाई आप ये कहेंगे कि भाई शॉर्ट टर्म में क्विकेस्ट टर्न अराउंड वाली चीज़ें हैं या एम्प्लॉयमेंट जनरेट वाले सेक्टर जो हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जाए। अच्छा, वन लाइनर से हमेशा डिफेक्ट क्रिएट होंगे क्योंकि फिर वो अब्यूज़ होगा, तो आप एक फुल होलिस्टिक मैट्रिक्स दें अलॉन्ग साइड विद द पॉलिसी और उसके साथ फिर आप उसको ड्राइव करने। असल में हर एक जो है वो पाकिस्तान की परपेचुअल कंटिन्यूटी से ज़्यादा फोकस जो है वो पॉलिटिकल टर्न अराउंड के देखता है कि भाई 18 में इलेक्शन है तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो 2 साल पे क्या इम्पैक्ट आएगा इसका। जी हाँ, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको 2 साल के या मैं 3 साल के टर्न पीरियड के अंदर अंदर रिजल्ट्स देखूँ, मगर ये कि ये तो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, तो जैसा हमें लीडिंग इंडिकेटर्स पब्लिश करने की ज़रूरत होती है कि भाई ये पिछले डिसीजन में ये डिफेक्ट जनरेट हुए थे और इनको आगे फिक्स करना है, इसी तरह आगे हमें क्या एक्शन स्टेप्स लेने हैं। अब मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैंने ये कहा कि एक सीपैक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें एक इतना बड़ा कंपोनेंट एनर्जी रिलेटेड सेक्टर्स है, वी हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू पब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। अच्छा, आप यकीन करें कि हमारे जितने भी प्रोग्राम हुए हैं सीपैक पे, हर एक पे किसी न किसी हवाले से उसको डिस्कस किया गया, लेकिन ये अभी जो बात बता रहे हैं आपके, अभी तक इस पर कोई मुफसल डॉक्यूमेंटेशन या अप्रीहेंशन या कोई इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं दी गई पब्लिक के बारे में, तो क्या किस किस्म की आप ये समझते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, देखिए क्या रिपोर्ट होनी चाहिए? हाँ देखिए, अगर मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिंगल डॉक्यूमेंट जो कि कंप्लीट ब्लूप्रिंट को ट्रांसलेट कर रहा है वो पब्लिक, मतलब प्रोजेक्ट क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, उसकी अलाइड इंडस्ट्रीज क्या है, उसके लिंकेजेस वगैरह क्या है कुछ इस तरह। और देखिए वो मतलब एक्चुअली यू हैव टू इन्वॉल्व नेशन इन दैट, नॉट इन एज एन एक्साइटमेंट कि क्रिकेट का मैच हो रहा है तो सारे के सारे 20,000 लोग जो है मैच देख रहे हैं, जो 12 लोग खेल रहे हैं, ये इसमें हर एक को इंगेज करना होगा और आपने और बाय इंडस्ट्री सेगमेंट, और उसी से ही बेहिसाब अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होंगी। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, मगर नॉट अ सिंगल यूथ प्रोग्राम के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया कि व्हाट रोल दे कैन प्ले इन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, लफाजी से तो ये चीज़ नहीं सॉल्व होगी, ये चीज़ तो रियल एक्टिविटी, क्योंकि ये यूथ प्रोग्राम भी बैंकिंग सेक्टर को किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व करके रन किया जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि इसकी क्या कुछ आया इसका इम्पैक्ट, क्योंकि बहुत इन्होंने एक अच्छे खासे चंक ऑफ मनी एलोकेट भी किया था
मेरे ख्याल में अभी तो इसकी बाजकश भी सुनाई नहीं देती। देखिए, एलोकेशन से अगर हो रहा होता तो हमारे सारे जो बल्दियाती प्रोजेक्ट्स हैं वो एलोकेशन से ही वो मुल्क की तकदीर बदल जाती जी। और यही एक रीज़न है कि आप देखते हैं कि बहुत सारे फंड्स जो हैं जो एलोकेट होते हैं वो एट टाइम्स दे डोंट सी द फेट और वो ईयर एंड पे अनयूटिलाइज्ड चले आते हैं। तो नंदलेस इसमें क्रिटिसाइज करना मकसद नहीं है, इंटेंट अच्छी है मगर इंटेंट के साथ एक्शनेबल आइटम्स भी उसके साथ होने की ज़रूरत है। आपको देखने की ज़रूरत ये थी कि आपने जो पॉलिसी बनाई थी जहाँ पे यूथ प्रोग्राम के लिए फ़ंड एलोकेशन कर रहे होंगे उसके रियल डायनेमिक्स क्या हैं, जहाँ पे वो सही मानों में वो पैसा ट्रांसलेट हो जाए और वो और मतलब दो चीज़ों को आपने कनेक्ट करना था, एक आपने अनएम्प्लॉयमेंट को कनेक्ट करना था और अनएम्प्लॉयमेंट का असेसमेंट। नॉट अ सिंगल स्टडी, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हैज़ बीन कंडक्टेड जहाँ पे आप एक असेसमेंट कर लेते कि भाई एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ क्या हैं, उनकी स्किल सेट्स क्या हैं। यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व करते, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करते, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन्हीं को इन्वॉल्व करते आप एक स्टडी। मगर हम इतना तेज़ी में रहते हैं कि हम बेसिक काम किए बगैर बाकी सब कुछ करना चाहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हम तहकीक के बगैर ही और कुछ फीडबैक लिए बगैर ही हम एलोकेशंस कर देते हैं, बाद में तहकीक करते हैं कि भाई इस सेक्टर में एलोकेशंस चाहिए थी या इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है और फंड कहीं और एलोकेशंस इसकी वो की जा रही होती है। देखिए मैं तो सॉरी मैं ज़रा उसको डिफरेंट बस हमारे पास आखिरी चंद सेकंड है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जिस जब हम 48 बिलियन डॉलर जो है जब इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आता है कि चाइना इस प्रोजेक्ट में, तो उन्होंने तो सारी एक्सरसाइज की है कि 48 पे कैसे 52 क्यों नहीं बना, 38 क्यों नहीं बना। तो ज़ाहिर है 48 का मतलब ये कि उसके साथ कैलकुलेशन उन्होंने की होगी, तो उसके बाद प्रोजेक्ट्स भी आइडेंटिफाई होंगे और एक प्रोसेस। मगर वो और जो हमारी साइड की जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वो ट्रांसलेट नहीं किया, बहुत फ़र्क है क्योंकि हम वो लोग तो उन्होंने प्रॉपर कैलकुलेशंस की 42 के फिगर तक आए, हमें सिर्फ ये था कि वो 42 बिलियन डॉलर लेके आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया एसएम आरिफ साहब, हमने अच्छी खासी बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमी पर बड़ी डाइवर्स गुफ्तगू की। नाज़रीन एक चीज़ तो तय है कि जब तक सेंट्रल बैंक जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा और जब तक वो इकोनॉमी ड्रिवन पॉलिसीज़ नहीं बनाएगा उस वक्त तक जाहिर है कि आपकी ना तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी और ना ही बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस जो है वो ट्रांसलेट होगी आपकी इकोनॉमिक दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरफ। तो इसमें हमने जो आज गुफ्तगू की इस आप समझ लीजिए कि हासिल गुफ्तगू ये है कि अगर स्टेट बैंक किसी न किसी तरीके से एक ग्रॉस लेवल पर बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा एडवाइस करें कि उनको पर्टिकुलर जो सेक्टर्स हैं या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर्स वहाँ पे उस तरफ भी लेंडिंग करनी है, इंडस्ट्री की तरफ भी लेंडिंग करनी है और गवर्नमेंट को लेंडिंग करनी है। ये नहीं हो सकता कि आप सारे की सारी लेंडिंग उठा के गवर्नमेंट को कर दें और आपकी इंडस्ट्री इसी तरह से बैठी हो। इसके साथ साथ हमारे बैंक्स को भी किरदार अदा करना है कि वो अपने जो डिपॉजिट्स को उसको मोबिलाइज करने के लिए अपनी जो चेन्स हैं जो अपने ब्रांचेज हैं वो रूरल एरियाज़ में जाके वहाँ पे ओपन करें ताकि वहाँ से भी जो रेवेन्यूज़ है वो हम जनरेट कर सकें। खैर साथ ये वही बात कि गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर स्टेट बैंक और पब्लिक सबको मिलके बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। खैर उम्मीद है कि आपको इस गुफ्तगू से काफ़ी सारी प्रोडक्टिव चीज़ें भी हासिल हुई होंगी और शायद आपके ज़ाहिर है कि कुछ इसमें तहफ़ुज़ात भी होंगे। हमारा ईमेल एड्रेस हमारे बल्कि सोशल मीडिया के एड्रेसेस स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं और जो भी क्यूरी हो वो आप हमसे इन एड्रेस के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।